हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं दीपक गिरध्यानी आप सभी लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा, शानदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस, जिसके अंदर सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे कंसेप्ट सीखेंगे और एक ही सेशन में खत्म कर देंगे। तो सभी लोग रेडी हैं? सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दें कि यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं दिशा व दूरी। और आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं आज तक रेलवे का, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर एएलपी हो, आरपीएफ हो, या फिर इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे टेक्नीशियन के एग्जाम्स होते हैं रेलवे में, वो हो, उन सभी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहा है और आता रहेगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग, संडे की शानदार शुरुआत के साथ में दोस्तों आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स को तो हम सीखेंगे ही, साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन सी चीजों पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दें, सभी लोग सेशन को थम्स अप कर दें, सभी बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर दें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास 24 ऐप पर धमाकेदार बूस्टर बैच जो है, जिसकी क्लासेस कल से ही चालू होने वाली है, तो कंप्लीट क्रैश कोर्स और 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ में आप लोगों के लिए बूस्टर अवेलेबल है, जिसमें सभी टीचर्स की सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, भाई साहब ताबड़तोड़ तैयारी चलेगी अब। ठीक है, क्लास 24 ऐप को आप डाउनलोड कर लें, एक साथ लिखना होता है। इसके अलावा दोस्तों अब कर लो तैयारी जीत की, क्योंकि बैच तो 15 जुलाई से ही लाइव हो चुका है और इसके फीचर्स दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पर उससे पहले क्लासेस का शेड्यूल बता दूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ठीक है, 999 रुपीज में दोस्तों आपको ये बूस्टर बैच मिल रहा है, जिसमें मंडे टू सैटरडे तो रेगुलर क्लासेस होंगी, ये टाइमिंग्स आपको दे रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट क्लासेस होंगे, यानी आपके अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप लोग डिस्कस कर लो। शिप्रा मैम और सज्जन सर के 2-2 घंटे के डाउट सेशन है संडे को, और साथ ही साथ भुने सर और मेरे 1-1 घंटे के डाउट सेशन है, यानी टोटल मिला के 6 घंटे के डाउट सेशन एवरी संडे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल रहा है, 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बेस्ड आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर और डिटेल सॉल्यूशन इसके मिल रहे हैं। आप चाहे फुल लेंथ लगाओ या फिर आप सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहते हो तो वो टेस्ट भी मिल जाएंगे, 20 प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट भी मिल जाएंगे, 2000 लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 5 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट आपको मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, टेस्ट के सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ लेटेस्ट पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, लाइव टेस्ट जो होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट दोनों आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में। ये टेस्ट सीरीज के फीचर्स हैं भाई सब, कोई नहीं दे रहा इतना तो मुझे भी पता है। ठीक है ना, और मैं तो चाहता ही हूँ कि यार बच्चों को मिले वो चीज़ जिसके वो हकदार है। ठीक है ना, वो सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिलनी चाहिए जिसके वो असली हकदार हैं। सही है कि नहीं है? कुछ नहीं लेना 10,000, कुछ नहीं लेना 8,000 भाई साहब, 12,000 कुछ नहीं है। ठीक है, मात्र 999 रुपए में कोर्स और फुल लेंथ 100 टेस्ट, उसके वीडियो सॉल्यूशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, कर लो अब सेलेक्शन भाई साहब अपने आप में। ठीक है सर, मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, मुझे बूस्टर कोर्स लेना है, डिस्काउंट करने वाला जो है वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, है ना। ठीक है, आप जो है बिल्कुल एक बार मैं आपको नंबर देता हूँ ना, आप एक बार उस नंबर लिखा हुआ था ना बेटा पीछे, क्या दिक्कत है यार, एक नंबर था ना यहाँ पे, इस पर कॉल करो ना, टेली कॉलिंग नंबर है ये, इस पर आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। ठीक है, उनको बताओ कि भाई साहब मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, मुझे बूस्टर ज्वाइन करना है। ठीक है, ये नंबर दे रखा है आपको, 7878498414445। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने, अब एकदम गोली की स्पीड से आप लोग चलेंगे, फटाफट से देखेंगे। इधर देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना जानता हो। देखो सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, मजा आने वाला है, बहुत सारे प्रश्न है, कम से कम 60 प्रश्न हैं दोस्तों इस पीपीटी के अंदर, 60 प्रश्न, 60 के 60 प्रश्न करने हमें, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या ना रहे। मोना 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, तो आपको पता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। सही है, मोना जा रही है ईस्ट की तरफ, कितना, 20 किलोमीटर। अब देखो हमेशा उल्टे हाथ को लेकर जाओगे आप, सीधा हाथ नहीं, जब भी डायरेक्शन की बात होगी हमेशा उल्टा हाथ लेकर जाएंगे, ऐसे
ये नेल्स वाला पार्ट, नाखून वाला पार्ट आपका हमेशा बायां बनाएगा, ये हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट आपका हमेशा दायां बनाएगा। तो इसने बोला है कि मोना 20 किलोमीटर पूर्व चलती है। ये लीजिए, चल गई मोना, मोना चल गई है 20 किलोमीटर, मोना 20 किलोमीटर पूर्व चलती है, चल गई। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, ये बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चल गई। फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़कर पुनः दाएं और मुड़ती है। देखो इधर ध्यान से देखना, पहले 20 किलोमीटर गई थी, फिर बाएं और नाखून वाला भाग ऊपर, बाएं और मुड़ गई 15 किलोमीटर चली, फिर दाएं और, फिर अब दाएं और मुड़ी और पुनः दाएं और मुड़ी। अब एक बात बताओ, अगर मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाती, लेकिन पहले दाएं और मुड़ी और फिर से दाएं और मुड़ गई, फिर से दाएं और मुड़ गई, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। पहले क्या मुड़ी, वह देखो वह तो चली गई थी 15 किलोमीटर चली गई थी, फिर वह बाएं और मुड़ी, अच्छा बाएं थी क्या पहले, सॉरी, मुड़ना नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में आगे जाना होता, लेकिन उसने क्या बोला, 15 किलोमीटर चली, चली भाई ये लो चल गई, बाएं और मुड़ती है, बाएं और मुड़ती है, फिर पुनः दाएं और मुड़ती है। देखो ध्यान से देखना, पहले बाएं और मुड़ती है, फिर दाएं और मुड़ती है, और फिर पुनः दाएं और मुड़ती है। तो भैया देखना इधर, पहले बाएं और मुड़ी, बाएं और मुड़ी, फिर दाएं और मुड़ी, और फिर से दाएं और मुड़ी, ठीक है। तो वह किस दिशा में जा रही है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी डायरेक्शन है गाइस, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, पूर्व दिशा अपना आंसर आ गया। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से बनाइएगा। अपने घर से रिमी, अपने घर से रिमी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, अंत में पूर्व की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये लो, पूर्व की ओर गई और कितना चली, 15 किलोमीटर चलती, यानी यहां पहुंच गई। तो बताइए भाई साहब वो क्या बोल रहा है, अपने घर से वह किस दिशा में है। तो अपने घर से वो किस दिशा में भाई साहब, अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में। गोली की स्पीड से उड़ा दो जल्दी जल्दी से, फटाफट से उड़ा देंगे भाई साहब, गोली की स्पीड से उड़ा देंगे। क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आया, नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में, डू फास्ट। बनाओ भैया, थोड़ा सा ले लेते हैं उसको इधर, लीजिए बनाइए। बनाओ, एक आदमी पूर्व की ओर उन्मुख है, यानी देख रहा है, एक आदमी पूर्व की ओर देख रहा है। चलो बनाओ, पहले आप लोग बनाओ फटाफट से, बनाओ आप लोग बनाओ, अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बनाइए इसको। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, एक आदमी पूर्व की ओर उन्मुख है और वो उत्तर की ओर मुड़ता है। एक आदमी पूर्व की ओर उन्मुख है, देख तो पूर्व की तरफ रहा है, देखो इधर चल नहीं रहा दोस्तों, ध्यान से देख लेना अच्छे से। एक आदमी, अ मैन फेसिंग टुवर्ड टू द ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, वो पूर्व की तरफ देख रहा है, चल नहीं रहा है,
यही गलती होती है बहुत सी बार, वह पूर्व की तरफ देख रहा है लेकिन वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। भाई साहब ये 5 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 270 डिग्री, अब देखो यहां पहुंच गया वो, समझ लो इस पॉइंट पर है, फिर वह 270 डिग्री वामावर्त का मतलब लिख लेना, वामावर्त का मतलब होता है बायां, वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट साइड बाएं तरफ, बायां, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है ना दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट साइड यानी कि दायां, ठीक है। तो वामावर्त लिखा हुआ यानी इस पॉइंट पर है, अगर उसे मुड़ना नहीं होता तो भाई साहब वो सीधा जाता, लेकिन अब वो 270 डिग्री मुड़ गया। 270 कितना होगा, ये घूम के और ये यहाँ पे, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा वो। 270 डिग्री का मतलब समझना आप, यहाँ से लेके ये ऐसे ऐसे मुड़ गया भाई साहब, सही है, नहीं इधर जा रहा था लेकिन 270 डिग्री से घूम गया, 270 डिग्री से घूम गया और इस डायरेक्शन में चला गया। 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, मुड़ गया पहले तो 270 डिग्री, अब भाई साहब 12 किलोमीटर कितना जा रहा है वो, 12 किलोमीटर जाता है, ये 12 किलोमीटर गया यहाँ पहुँच गया। उसके आरंभिक स्थान तथा अंतिम स्थान के बीच की दूरी बताइए, उसके आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी बतानी, यानी ये डिस्टेंस निकालनी। यार एक भुजा 12 है एक भुजा 5 है, तो ये तो वैसे 13 आ जाएगी, प्राइम ट्रिपलेट बन रहा है, और नहीं भी आता है तो भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी आती है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, हिंदी में लिख लेता हूँ चलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो आधार किसी को भी मान लो, चाहे इसको ले लो इसको ले लो, 12 का स्क्वायर, लंब कितना है 5 का स्क्वायर, सही है, ये टोटल आ जाएगा 169, कर्ण बराबर रूट 169, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 13 आ गया दोस्तों, 13 इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी लोगों का सही है क्या दोस्तों, सभी लोग थम्सअप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल सही है, सही है, तो आगे चलते हैं फटाफट से, सही है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट बनाओ। आठ किलोमीटर किधर जा रही है, पश्चिम, अपने घर से, अपने घर, ये होम है, अपने घर से एक लड़का बाइक से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, कितना 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, कर ली उसने, फिर वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हो आप, 8 गया 10 गया, अब सीधा अगर मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाता, लेकिन 180 डिग्री घूम गया, ये लीजिए 180 डिग्री घूम गया यानी वापस से अब इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है और 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, कितना 16, 10 की थी उसने पहले, अब 16 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है यानी आर पार हो जाएगा भाई साहब, ये 10 और ऊपर 6 टोटल हो गई 16 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, भाई साहब अंत में दाईं ओर मुड़ गया और 8 किलोमीटर की यात्रा कर ली उसने, दायां किधर बनेगा, इधर की तरफ, हथेली वाला भाग दायां, ठीक है। अब वह अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है, अपने वास्तविक स्थान से कितनी दूर है वो, ये 6, तो ये सामने वाली भुजा भी कितने की हो जाएगी, 6, क्योंकि आयत बना रहे हैं ना, ठीक है। तो बताइए फटाफट से, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर है, कितना है 6 किलोमीटर उत्तर, यानी 6 किलोमीटर नॉर्थ की साइड है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फटाफट से देखेंगे, क्योंकि अभी दोस्तों बहुत सारे प्रश्न अपन को करने हैं, परछाई संबंधी प्रश्नों को भी देखना है हमें, ठीक है, बहुत सारे टाइप के जो क्वेश्चन हैं उस टाइप के भी करने हैं हमें। चलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो बनाओ बनाओ जल्दी से बनाइए फटाफट से। 6 किलोमीटर नॉर्थ आपका आंसर आ रहा है, अभी चेक कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल तो इसका करो, अभी आप उसका आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है।
देखिए इधर, एक लड़का अपने स्कूल से निकलकर, ये स्कूल है, एक लड़का अपने स्कूल से निकलकर ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। देखो अगर मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाता इसी डायरेक्शन में, पूरा उल्टा हाथ लेके गए, नाखून वाला पार्ट क्या बनाता है, बायां, लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की, ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अंत में दायां मुड़कर 10 किलोमीटर। अब देखो दायां किधर बनेगा, नाखून वाला पार्ट ऊपर बायां, हथेली वाला भाग दायां, राइट। तो 10 किलोमीटर राइट साइड पर टर्न लेता है, ठीक है, ये चल गया 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने स्कूल के संदर्भ में कौन सी दिशा में है, स्कूल के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है ये पूछ रहे हैं, स्कूल के संदर्भ में कौन सी दिशा में है। तो स्कूल के संदर्भ में ये हो गई साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन भाई, ये साउथ होती है दक्षिण, ये पूर्व होती है ईस्ट, तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इसको करके बताओ, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको करके बताइए, इस प्रश्न को करके बताइए आप। देखो इधर इस तरीके के क्वेश्चंस को फास्ट कैसे करना है पहले तो ये समझो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इनके एंगल्स को ऐसे परिवर्तित करूंगा और सोल्व करूंगा, तो दोस्तों बहुत समय लग जाएगा और शायद चक्कर भी आ जाए कि 180 डिग्री से वामावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, मान लो दो चार और दे दिए उसने, 270 डिग्री, 225 डिग्री, तो भाई साहब चक्कर आ जाएंगे, घूम घुमा के गिरगुरा जाओगे, सही है नहीं है, फालतू में बिना मतलब ही पता लगा भाई साहब, पेपर वेपर तो बहुत दूर की बात है, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही हैं भाई साहब तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। देखिएगा कैसे करना, एक ही बार में सही करना है और फास्ट कैसे करना है ये देखिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, भाई साहब पहले तो ये पता होना चाहिए कि दक्षिण और पश्चिम किधर है, ये होता है दक्षिण साउथ, ये होता है पश्चिम वेस्ट, यानी इस तरफ मुंह है उसका, छोड़ दो यहाँ पर बस खत्म। ये व्यक्ति है इस पॉइंट पे खड़ा है, किधर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, इसका खेल हो गया खत्म। अब पूरे क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है कि एंगल ही एंगल है, कोण ही कोण आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भाई साहब, कोण ही कोण आपको दे रखे हैं, तो इसलिए आप क्या करोगे देखिएगा, इधर वह 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इधर तो लेंगे बायां जिसको आप बोलेंगे लेफ्ट, इधर आप लेंगे दायां जिसको आप बोलेंगे राइट। एक चीज और याद रख लेना, लेफ्ट में हमेशा एंगल नेगेटिव लेते हैं, इसको आप हिंदी में वामावर्त भी बोलते हो और इंग्लिश में बोलते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सारा ही लिख के बता रहा हूं। दायां का मतलब होता है दक्षिणावर्त, क्या होता है, दक्षिणावर्त, जिसको आप जो है प्लस साइन के साथ में यूज करोगे, और इसको जो है दोस्तों अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में,
ठीक है, वामावर्त बायां, दक्षिणावर्त दायां, एंगल लेंगे पॉजिटिव। अब सबसे पहले क्या बोला है कि वह 180 डिग्री वामावर्त दिशा में चलता है, यानी माइनस साइन के साथ इधर वाले कॉलम में लिख देंगे माइनस 180 डिग्री। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलता है तो प्लस 45 डिग्री ले लेंगे। अंत में 90 डिग्री वामावर्त दिशा में चलता है तो माइनस 90 डिग्री ले लेंगे और ओवरऑल डिफरेंस आप निकाल लेंगे, कुल अंतर आप निकाल लेंगे कि क्या आया। ये हुआ माइनस के 270 और ये प्लस के 45। माइनस के 270 और प्लस के 45 अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में आएगा माइनस का 225। यस और नो, पहले तो ये बता दो मुझे, ये क्लियर है क्या, ये माइनस का 225 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यानी ये माइनस के 225 का मतलब होता है 45 और 180, और माइनस का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले तो आप चलोगे घड़ी की दिशा में, ये माइनस का 45, ये 45 और फिर ये 180, तो 45 और 180 टोटल कितना हो गया, 45 और 180 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 225 डिग्री चल दिया आप। ठीक है, ये 45 और भाई साहब ये 180, तो 45 और 180 कितना हो गया, 225 हो गया। 45 और 80 कितना हो गया, 225 हो गया भैया। ठीक है, अब ये कौन सी डायरेक्शन है जल्दी बता दो फटाफट से, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन में उसका मुंह है, उत्तर दिशा में उसका मुंह है। लेकिन उसने पूछा क्या है, क्या पूछा है, उसने पूछा है कि पीछे की ओर कौन सी दिशा है, जिधर उसका मुंह है उसके पीछे की ओर कौन सी दिशा है, जल्दी बता दो। मुंह तो है नॉर्थ डायरेक्शन में, मुंह तो है उसका नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसके पीछे की दिशा कौन सी हो गई, उसके पीछे की दिशा हो गई साउथ। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ इज द करेक्ट आंसर, दक्षिण इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया, ईमानदारी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कितने लोगों का आया। भैया जिधर उसका मुंह है ये नहीं पूछा उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिधर उसका मुंह है उसकी विपरीत दिशा क्या है, तो विपरीत दिशा साउथ है, दक्षिण है। मैं जानता था बहुत सारे लोग नॉर्थ निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन दो तरीके से आता है, अंत में उसकी दिशा और अंत में उसकी विपरीत, मतलब जिस दिशा में उसका मुंह है उसकी विपरीत दिशा ये पूछ सकता है। चलो भैया अच्छे से कर लेना, सोच समझ के आराम से। बना लो बना लो, जल्दी से बना लो, देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी बनाएंगे फटाफट से तुरंत। सर क्वेश्चन कट रहा है यार, कैमरा थोड़ा उधर सरका देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुको, कैमरे की वजह से हो रहा है ये थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब सही है, दिख रहा है अब तो आराम से, वैसे कोई कट रहा है ना तो वो भी बेटा वो लाइन पूरी है, वो देखो नहीं के आगे तो कुछ है नहीं, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है, उत्तर पूर्व आपको दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है उसको सही कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। विवेक एक बिंदु ए पर खड़ा है दोस्तों, विवेक खड़ा है बिंदु ए पर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखो पहले तो लाइंस बना लो आप, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। ये लीजिए, विवेक जो है बिंदु ए पर खड़ा है भाई साहब, विवेक जो है बिंदु ए पर खड़ा है, ये लो, विवेक जो है वो बिंदु ए पर खड़ा है, विवेक बिंदु ए पर खड़ा है और वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर कितना, 4 किलोमीटर चलता है। विवेक बिंदु ए पर खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, वह रुकता है और दक्षिण की ओर जाता है। यहां पर रुका वो, अब दक्षिण की ओर जाता है और 2 किलोमीटर तक चलता है। ध्यान से देखिएगा, पहले 4 गया था, कितना गया था, 4 गया था भाई साहब, अब 2 जा रहा है, ठीक है, और वह 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है और तब तक चलता है जब तक उसे बिंदु ए पश्चिम की ओर नहीं दिखता। देखो तब तक चलता है, यानी कि वो इस लाइन तक आएगा, ध्यान से समझना, वो तब तक चलेगा जब तक उसे यहां से बिंदु ए जो है किधर की ओर ना दिखे, पश्चिम की ओर ना दिखे, बिल्कुल यहां से पश्चिम की ओर दिखेगा अगर वो लाइन तक आ जाएगा, सही है, क्लियर है। और कितना चला था ये, 2 किलोमीटर चला था। अब वो बोल रहा है कि बिंदु ए से कितनी दूर है, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, आपसे ये डिस्टेंस पूछी जा रही है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ये आपका आधार है। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, कर्ण कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 16, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा इधर 16 और 4, और ये कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, सही है। यहाँ कितना बनेगा, 12, कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 बराबर आधार का स्क्वायर। 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3 लिख सकते हो, तो आधार बराबर हो जाएगा √4 × 3, √4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √3। भाई √4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3, तो 2√3 आ जाएगा, आपका आंसर बनेगा 2√3 किलोमीटर। क्या आंसर आएगा दोस्तों, 2√3 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। एक व्यक्ति सूर्य के पीठ की ओर चलना आरंभ करता है देखो एक व्यक्ति सूर्य के पीठ की ओर, अब देखो सूर्य किधर दिया ये तो क्लियर ही नहीं है। अगर मान लें कि सूर्य जो है वो पश्चिम में है, सपोज करो मान लें कि सूर्य कहां है, पश्चिम में है, अगर अपन ये मान लें कि सूर्य जो है वो पश्चिम में है, एक व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके, यानी कि इधर पीठ करके चलना आरंभ करता है, कुछ समय पश्चात वो बाएं मुड़ता है, एक व्यक्ति है वो सूर्य की ओर पीठ करके चलना आरंभ करता है। ये चलना आरंभ किया उसने, सूर्य की तरफ पीठ है उसकी, मान लो पश्चिम में है सूर्य, और सूर्य की तरफ पीठ करके चलना प्रारंभ करता है और कुछ समय पश्चात वो बाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और पुनः बाएं मुड़ता है। तो भाई साहब बाएं मुड़ा था, फिर दाएं मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, देखो पहले तो बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है, इस हिसाब से वो जा रहा है नॉर्थ में। पर जरूरी है क्या यही कंसेप्ट बने, कंसेप्ट ये भी हो सकता है सूर्य इधर हो सकता है, सन जो है वो ईस्ट में हो सकता है, भाई सन सूर्य किधर हो सकता है, ईस्ट में, सूर्य ईस्ट में हो सकता है, और ये व्यक्ति ये रहा, ये व्यक्ति ये रहा, और भाई साहब वो जा रहा है वेस्ट की तरफ। देखो ये व्यक्ति ये रहा, सूर्य से दूर जा रहा है भाई साहब, सूर्य की तरफ पीठ दिखा के जा रहा है इधर की तरफ, बाएं मुड़ता है यानी कि नीचे की तरफ बाएं मुड़ेगा, फिर वो दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया, फिर से वो बाएं मुड़ गया, तो भाई साहब पहले बाएं मुड़ा था, फिर दाएं, फिर बाएं, तो अंत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में, इस हिसाब से साउथ में है, इस हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो दक्षिण आ रहा है। तो भाई साहब आपका आंसर नॉर्थ भी हो सकता है, उत्तर भी हो सकता है, और आपका आंसर दक्षिण भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, तो आंसर बनेगा उत्तर या फिर दक्षिण, क्योंकि ये तो क्लियर ही नहीं है ना कि सूर्य कहाँ है,
सूर्य पूरब में है या सूर्य जो है पश्चिम में है, ये चीज तो क्लियर ही नहीं है, इसलिए दो आंसर बनेंगे, ये केस भी बनेगा और ये केस भी बनेगा, तो आंसर उत्तर बनेगा या फिर दक्षिण बनेगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये प्रश्न, बहुत ही सही प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो आपके सामने ये दे रखे हैं। भाई साहब, हम प्रैक्टिस ही उन्हीं क्वेश्चंस की कर रहे हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं ना, हम प्रैक्टिस ही उन्हीं की कर रहे हैं। चलो बनाओ, ए जो है बी के पश्चिम में स्थित है, ये बी और इसके पश्चिम में है ए, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है। अच्छा, तो पहले बी को बनाते हैं, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है, अच्छा सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है, डी बी के बिल्कुल दक्षिण में है, डी जो है वो बी के बिल्कुल दक्षिण में है और बी के समरेखी है, बिल्कुल एक ही रेखा में, डी सी से किस दिशा में है, डी जो है वो सी से किस दिशा में है भाई साहब, तो सी का ये साउथ, सी का ये ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए बनाइए दोस्तों, फटाफट से बनाएंगे तुरंत प्रभाव से, ये वाला तो आप कर लेते हो यार, कोई ढंग का अपन प्रश्न देखते हैं एक बार, जैसे दो लोगों का अरेंजमेंट दे रखा है, मतलब दो लोग हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ये कितने लोग हैं, दो लोग हैं, कहाँ गया, ये लीजिए, ये देखिएगा दोस्तों दो लोग हैं ये, इसको अच्छे से देखिएगा एक बार, इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति हैं, देखना इसको, एक आरंभिक बिंदु से ए और बी चलना आरंभ करते हैं, ठीक है, एक आरंभिक बिंदु है ये मान लेते हैं, ये वाला, इन दोनों से ही ए और बी चलना आरंभ करते हैं, ए अपने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, ए अपने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, बी अपने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, ए तो अपने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, बी अपने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, ए अपने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, बी दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, ए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, ए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, एक काम करते हैं ना, इसको पूरा ब्लैक ही ले लेते हैं ताकि ये पता लग जाएगा कि ए को ले जा रहे हैं, ए 2 गया फिर दक्षिण दिशा में है ना, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, लेके आ जाओ भाई साहब उसको, 2 किलोमीटर चलता, बी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, बी जो है अगर उसको मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाता, लेकिन वो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे, घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, 2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है, यानी ए यहाँ पर आ चुका है, ए इस जगह आ चुका है और भाई साहब बी भी इस जगह आ चुका है, इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो बोल रहा है कि वे किस स्थान पर है ना, आरंभिक बिंदु से किस स्थान पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो ये तो है साउथ, ये है अपना ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दोनों दक्षिण पूर्व दिशा में हैं, दोनों कौन सी दिशा में हैं, दोनों दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा में है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दोनों दक्षिण पूर्व दिशा में हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में,
मजा आया कि नहीं आया ये बता दो पहले थम्स अप करके, फटाफट से बता दो तुरंत प्रभाव से। सभी बच्चे थम्स अप करके बता दें मजा आ गया क्या दोस्तों, प्रश्न करके ये बता दो आप। सारे ही क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक करके सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दें, तुरंत प्रभाव से एक बार थम्स अप कर देंगे। सभी बच्चों का आना चाहिए एकदम जोश के साथ में आना चाहिए, मजा नहीं आता फिर। एकदम जोश और जुनून के साथ में थम्स अप आना चाहिए कि यस सर बिल्कुल सही है, मजा आ गया, आनंद आ गया, है ना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अगर सो रहे हैं ना, नींद आ रही है, मुंह धो लो भाई साहब, टेबल चेयर पर बैठ जाओ, आपसे बेस्ट जो है ना कोई नहीं करने वाला है, सबसे पहले आप लोग ही करने वाले हो, ये बात श्योर है, ठीक है। लेकिन मजा आना चाहिए आपको पढ़ते समय, अगर मजा आ गया ना तो मैं कह रहा हूं आपको इससे बेस्ट चीज मिल ही नहीं सकती फिर, ठीक है। बस फटाफट से सभी बच्चे थम्स अप कर दें। चलिए नेक्स्ट, अगला चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि मजा आए क्वेश्चंस को करने में, सही है ना। थोड़ा स्पीड भी तो बढ़ानी है, स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। दिल से लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक बार सेशन को जम के शेयर कर दो, जितने भी बच्चे मौजूद हैं सभी बच्चे एक बार शेयर कर दें भाई साहब, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। सोमू बिंदु ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये ले लेते हैं, ये ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मान लो सोमू ए से बी की ओर सीधा 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है, दायां किधर, हथेली वाला भाग इधर, दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है और सी पर पहुंच गया। वह उस बिंदु से दाएं मुड़ता है, नीचे दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर दी और डी बिंदु पर पहुंच गया है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है ये, पहले तो इसको जोड़ लो, ये बना लो, ये बना लिया अपन ने। अब ये 6 था ना, टोटल 12 था, तो ये बचा कितना, 6, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, यानी कुल मिला के ये आकृति बनी है आपके पास में, ये भुजा 8, ये भुजा 6, तो ये भुजा 10 आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100, और रूट 100 कितना होता है, 10 किलोमीटर, आपका आंसर आ गया। जल्दी से बता दो तुरंत प्रभाव से, मजा आया कि नहीं आया, अरे भाई साहब मजा आया कि नहीं आया। अगला प्रश्न अब आएगा असली धमाकेदार मजा, असली धमाकेदार मजा तो अब आएगा भाई साहब, ये लीजिए आपके पास में परछाई संबंधी प्रश्न आ चुका है। अब देखते हैं कितने लोग करते हैं इस परछाई संबंधी प्रश्न को, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे और फोड़ते हुए चलेंगे भाई साहब। रिवीजन भी हो रहा है जिनने पहले पढ़ रखा है, और जिसने नहीं पढ़ रखा हो उसको भी सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर, एक शाम इन अ इवनिंग मैक एंड मिलर फेस अपोजिट टू ईच अदर, मैक और मिलर एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए हुए हैं। विपरीत दिशा में मुंह किए हुए का मतलब समझ रहे हो आप, दोनों ने अगर विपरीत दिशा में मुंह कर रखा है का मतलब क्या है कि जैसे आप और मैं, आप मेरी तरफ देख रहे हो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो यही तो बोलेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर रखा है। भाई साहब दिमाग पे जोर डालना, मैं सही बता रहा हूँ, कंसेप्ट ढंग से सीख लेना। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि विपरीत दिशा का मतलब है कि वो एक दूसरे को देख ही नहीं रहे। अरे भाई आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तब भी तो हम एक दूसरे के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, यस और नो, थम्स अप करके बताओ सबसे पहले तो कि हाँ सर बिल्कुल सही है, विपरीत दिशा का मतलब तो ये भी तो हुआ कि हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो देखिएगा क्या बोल रहा है वो, एक शाम को, शाम के समय की बात हो रही है। अब शाम के समय, पहले तो ये बताओ आप मुझे, बस इतना सा बताओ, शाम के समय सूर्य किधर होगा, शाम के समय सूर्य होगा वेस्ट डायरेक्शन में, शाम के समय सन होगा वेस्ट डायरेक्शन में, शाम के समय सन होगा वेस्ट डायरेक्शन में। एक शाम को मैक और मिलर एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए हैं, यदि मैक की परछाई उसके बाएं पड़ती है तो मिलर किस दिशा में चेहरा किए हुए है, ठीक है। एक शाम को मैक और मिलर एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए हुए हैं, यदि मैक की परछाई उसके बाएं पड़ती है, उसके किसके, यही तो क्वेश्चन की खास बात है। आपको पता है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैक की परछाई, यहां पर कभी कभी ऐसे लिखा होता है, मेक की परछाई मिलर के बाएं ओर पड़ती है। ये अगर मैं लिखता तो क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग बनता। अगर मैं ये लिखता यदि मेक की परछाई मिलर के बाएं बनती है तो कंसेप्ट अलग ही बन जाता।
लेकिन यहां लिखा है मेघ की परछाई उसके बाएं बनती है। तो ये लाइन आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप लोगों को मैंने सिखाया है कि जब जब पंक्ति में जो वर्ड दिया हो, भाई नहीं बताएगा कोई भी, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रख लीजिएगा। अगर पंक्ति में जो वर्ड दे रखा है, जिसका वर्ड दे रखा है, उसका वर्ड दे रखा है, जो जिसका उसका उसे उससे, ये जितने भी वर्ड्स दे रखे होते हैं ना, इन सभी का रूल एक ही होता है कि इनके बाद में कही गई बात बाएं पड़ती है, वो बात हमेशा तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाती है, तुरंत पहले वाले व्यक्ति। यानी कि मान लो ए बी सी तीन लोग हैं और सी के पहले जो है और जो से पहले फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि तीसरी वाली बात, सी वाली बात किसके लिए कही जाएगी, सी वाली बात बी के लिए, जो जिसका उसका से तुरंत पहले वाले व्यक्ति के लिए कही जाएगी। यानी ये जो बात कही जा रही है ना, यदि मेघ की परछाई उसके बाएं पड़ती है, तो ये उसका वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, मेघ के लिए ही यूज हुआ है। उसके बाएं पड़ती है तो उसके से पहले कौन आ रहा है, मेघ। मेघ की परछाई मेघ के खुद के बाएं है। अब खुद के बाएं कैसे होगी, मान लो ये सूरज आ रहा है, यहां सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज के आ रहा है, सूरज की रोशनी आएगी। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मान लो मैं मेघ हूं, इधर से आ रही है सूरज की रोशनी। अब इधर से सूरज की आ रही है रोशनी, तो परछाई इधर बनेगी, परछाई इधर बनेगी, तो ये मेरा कौन सा हाथ है, बाएं हाथ। यानी मेघ की परछाई उसके बाएं ओर पड़ती है, यानी मेघ के बाएं ओर पड़ती है। यानी ये कंसेप्ट है भाई साहब, इसमें मिलर का कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, हमेशा परमानेंटली याद रखो, जब भी प्रश्न में दे रखा हो ना कि परछाई बाएं बन रही है या दाएं बन रही है, शॉर्ट में याद कर लो, जब भी दे रखा हो कि परछाई बाएं बन रही है या परछाई दाएं बन रही है, आप दोनों व्यक्तियों को कहां पे खड़ा करोगे, दोनों व्यक्तियों को नॉर्थ और साउथ में खड़ा करोगे। ये बात परमानेंटली याद रख लो। और अगर वो बोलता है कि परछाई आगे बन रही है, फ्रंट में बन रही है या बैक में बन रही है, यदि परछाई आगे बन रही है या पीछे बन रही है, तो आप दोनों व्यक्तियों को कहां पे खड़ा करोगे, एक को ईस्ट में और एक को वेस्ट में। ये परमानेंटली याद रख लो, परमानेंटली याद रख लो, ताकि समय बचेगा आपका, एक बार में ही क्वेश्चन सही होगा और समय भी बचेगा। अगर बाएं और दायां दे रखा है कि परछाई बाएं बन रही है या दाएं बन रही है, तो आप दोनों व्यक्तियों को खड़ा करोगे, एक को नॉर्थ में एक को साउथ में। और अगर परछाई बोल रहा है कि आगे बन रही है या पीछे बन रही है, तो आप व्यक्तियों को खड़ा करोगे, एक को ईस्ट में और एक को वेस्ट में। ये परमानेंटली याद रख लो आप तो। और एक और चीज बता देता हूं, ये जो तुक्केबाज लोग होते हैं ना, उनके लिए है भैया, जब कभी भी तुक्का भी लगाओ ना जीवन में, कभी भी परछाई संबंधी प्रश्न पर आप तुक्का लगाओ, तो कभी भी बीच की दिशाओं पर तुक्का मत लगाना, क्योंकि बीच की दिशाएं परछाई संबंधी प्रश्नों का आंसर नहीं होती। बीच की दिशाएं परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं होती। बीच की दिशाएं परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं होती हैं। बीच की दिशाएं परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं होती है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब होता है कि परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर कभी भी नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, कभी भी नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, कभी भी साउथ ईस्ट नहीं होगा, कभी भी साउथ वेस्ट नहीं होगा। यानी बीच की दिशाएं कभी भी परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा। हमेशा परछाई संबंधी प्रश्नों का उत्तर होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में से। और उत्तर दक्षिण तब होगा जब बायां या दायां दे रखा हो, और आगे और पीछे दे रखा हो, तो हमेशा उसका आंसर ईस्ट या वेस्ट होगा। ठीक है भाई साहब, ये तो उन लोगों के लिए। अब यहां पर देख लो, मैं तो चाहता हूं कि कोई तुक्का ना लगाए, सीख ले। अब करते हैं भाई साहब प्रश्न को, अब आएगा मजा प्रश्न में। अब उसने बोला था यदि मेघ की परछाई उसके बाएं बनती है, जैसे ही आपने देखा बायां बनती है, यानी कि लेफ्ट दे रखा है या राइट दे रखा है, दोनों व्यक्तियों को कहां पे खड़ा करोगे, एक व्यक्ति को नॉर्थ पे खड़ा करोगे, एक व्यक्ति को साउथ पे खड़ा करोगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, अर्थात ये इसकी तरफ देख रहा है, ये इसकी तरफ देख रहा है।
ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं, ठीक है। इधर से आ रही है रोशनी, इधर से रोशनी आ रही है। अब भाई साहब इधर से लाइट आएगी तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जिस जगह से लाइट आती है उसके अपोजिट में परछाई बनती है, यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुरंत बताओ, फटाफट से बताओ। जिस जगह से लाइट आती है उसके विपरीत में परछाई बनती है, सही है। अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखना होता है तो हमेशा याद रखो, ऊपर वाले व्यक्ति की परछाई नीचे वाले के हाथ पर और नीचे वाले व्यक्ति की परछाई ऊपर वाले के हाथ पर होती है। ये हमेशा याद रख लेना, ऊपर वाले व्यक्ति की परछाई नीचे वाले के हाथ पर बनती है और नीचे वाले व्यक्ति की परछाई ऊपर वाले के हाथ पर बनती है। लेकिन हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि मेक की परछाई मेक के बाएं ओर पड़ती है। तो भाई साहब अगर मान लो ये मेक होता, ये वाला व्यक्ति अगर मेक होता जो नीचे की तरफ देख रहा है, ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो नीचे की तरफ देख रहा है, देखो नीचे की तरफ देख रहा है, मेक की परछाई, ये रही मेक की परछाई, ये है मेक, मान लो ये मेक है, ये मेक की परछाई, मेक की परछाई क्या मेक के बाएं ओर है क्या? जी हाँ, उल्टा हाथ लेके जाएंगे, नाखून वाला पोर्शन क्या बनाएगा? बायां। तो देखो मेक की परछाई मेक के खुद के क्या है? बाएं ओर है, बाएं ओर है, ठीक है। मेक की परछाई यानी ये व्यक्ति हो गया मेक, मेक की परछाई मेक के बाएं ओर है। पर अगर इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में देखूं तो मेक की परछाई इस व्यक्ति के तो क्या है? नीचे वाले व्यक्ति के दाएं ओर है, हथेली वाला भाग दायां हो जाए क्योंकि नीचे वाला व्यक्ति ऊपर देखेगा, इधर से रोशनी आ रही है, नाखून वाले भाग पर रोशनी आ रही है, हथेली वाले भाग पर परछाई बनेगी। तो मिलर के तो दाएं ओर है, अपन बोलेंगे मिलर के तो क्या है? दाएं ओर। मेक की परछाई मिलर के तो दाएं ओर है ना, लेकिन मेक की परछाई मेक के क्या है? बाएं ओर है, यस और नो? जल्दी बताओ फटाफट से। अब उसने क्या पूछा था कि मिलर किस दिशा की ओर चेहरा किए हुए है, तो मिलर भाई साहब किस दिशा की ओर चेहरा किए हुए? ये मिलर, नीचे वाला व्यक्ति मिलर है, वो किधर की ओर चेहरा किए हुए है? तो मिलर नॉर्थ की तरफ ऊपर की ओर चेहरा किए हुए है। मिलर किधर की ओर चेहरा किए हुए है? मिलर नॉर्थ की तरफ चेहरा किए हुए। भाई साहब बुक्स भी टटोल लोगे ना तो इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ में कभी कोई नहीं सिखाएगा, ये तो मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। खोद खोद के कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे और दिमाग में जड़ों में घुसा देंगे ताकि जिंदगी में कभी ना भूलें, सही है कि नहीं है? सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे एक बार और जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, फटाफट से शेयर कर देंगे और जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे, मजा आ जाएगा। आज संडे का सदुपयोग करेंगे भरपूर तरीके से, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट अगला देखेंगे, इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब लीजिए इस कंसेप्ट को समझिए, बनाओ भैया इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो वास्तव में टीचिंग कर रहा है ना, टीचिंग जो है ना, मतलब एक आनंद की जॉब है। अगर मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है मैं ये जानता हूं, लेकिन जिसको मजा आता है ना भाई साहब, उससे 12 घंटे 13 घंटे खड़े होके पढ़वा लो भाई साहब, वो आनंद के साथ पढ़ाएगा, एंजॉय करेगा वो अपनी जॉब को। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप भी अपनी चीजों को पहचानो कि आपको किस चीज में मजा आता है। लेकिन वो मजा इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो यार सोने में मजा आता है सर, मुझे तो आनंद में रिलैक्स में रह के और बिना कोई काम करे मैं पढ़ा रहा हूं दिन भर पलंग पे, उसमें मजा आता है। तो भाई तो वो तो वैसे ही बर्बादी है, हैं? मतलब उसके बारे में नहीं कह रहा मैं कि मजे का मतलब है कि भाई साहब कोई काम ही ना करें, मतलब एक ऐसा काम जिसको करने में आपको आनंद मिलता हो। पढ़ाई करने में भी बहुत सारे लोगों को आनंद मिलता है, ऐसे भी किताबी कीड़े होते हैं जो दिन भर लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है चंद समय की बात है, उसके बाद तो मैं जॉब ले ही लूंगा, जिस दिन जॉब ले लूंगा उसके बाद तो मैं ऐशी ऐश है भाई साहब, फिर तो वैसे मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, सही है कि नहीं? तो आपको भी भाई साहब मजा आना चाहिए पढ़ते समय, जैसे मुझे पढ़ाते समय बहुत मजा आता है ना, तो वैसे आपको पढ़ते समय बहुत मजा आना चाहिए, क्योंकि अभी आपका स्टूडेंट जोन चल रहा है, यानी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, उसमें आपके लिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है, ठीक है। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, सभी लोग फटाफट से बनाएंगे तुरंत प्रभाव से। लीजिए क्या लिखा है यहां पर, अब सुबह के समय की बात की गई है दोस्तों, बात किसकी हो रही है? सुबह की, सुबह के समय की बात हो रही है। तो सुबह के समय दोस्तों आप तो जानते ही हैं सन किधर होता है? सुबह। जल्दी बताइए फटाफट से बनाइए, सन किधर होता है सुबह के समय? सन होता है ईस्ट में, है ना?
सुबह के समय सन होगा ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में होगा। अब आपसे बोला गया है कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, नेहा की परछाई उसके दाएं हैं, नेहा की परछाई उसके दाएं हैं, उसके किसके, उसके खुद के। तो जो, जिसका, उसका, ये जो वर्ड आते हैं ना, ये किसके लिए यूज होता है, तुरंत पहले वाले के लिए, यानी कि नेहा की ही बात हो रही है। जैसे ही आपने प्रश्न में देखा दाया लिखा है, क्या लिखा है, दाया, दाया देखते ही समझ जाओ कि एक व्यक्ति बनेगा नॉर्थ में, एक व्यक्ति बनेगा साउथ में। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं भैया, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और इधर से आ रही है रोशनी। जल्दी से फटाफट से थम्स अप करके बता दोगे तुरंत, ठीक है। चलिए नहीं, देखिएगा ध्यान से। सुबह के समय नेहा और टोनी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, सुबह के समय नेहा और टोनी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, नेहा की परछाई उसके दाएं है। पहले तो यह समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करते हैं भाई, दो व्यक्ति खड़े हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इधर से रोशनी आ रही है। अब अगर इधर से रोशनी आ रही है तो इधर परछाई बनेगी, सही है, इधर से परछाई बनेगी भाई साहब, ठीक है, अपोजिट में परछाई बनेगी। जिधर से रोशनी आती है परछाई उसके अपोजिट में होगी, इधर से रोशनी आ रही है परछाई यहां बनेगी। अब आप लोग जानते हैं ऊपर वाले व्यक्ति की परछाई नीचे वाले के हाथ पर, नीचे वाले व्यक्ति की परछाई ऊपर वाले के हाथ पर। तो अब वो बोल रहा है नेहा की परछाई उसके दाएं हैं, तो उसके किसके, नेहा के, नेहा की परछाई उसके दाएं हैं, यानी नेहा के दाएं हैं। अब आप देखो, सपोज करो कि ये वाली जो लड़की है ये नेहा है, तो इसकी परछाई कहाँ है, ये रही, नेहा की परछाई उसके दाएं हैं। अब देखो ये नेहा, मान लो ये नेहा है, ये नेहा की परछाई, ये लेके गए उल्टा हाथ, उल्टा हाथ लेकर गए। अगर आप उल्टा हाथ लेकर गए यानी भाई साहब उसके हथेली वाले भाग पर, दाएं हाथ पर तो परछाई बन रही, तो उसके कौन से हाथ पर होगी, उसका कौन सा हाथ हो गया, ये तो बायां हाथ हो गया, पर बायां तो बोल नहीं रहा। नेहा की परछाई उसके दाएं हैं, यानी कि ये नेहा नहीं लेंगे फिर हम, इसको नेहा नहीं लेंगे। नेहा किसको लो आप, इसको लो नेहा। अगर ये नेहा है, सपोज करो ये नेहा है, तो भाई साहब ये हो गई नेहा की परछाई। अब देखो आप इसको, ये ऊपर जो नेहा है ये नीचे की तरफ देख रही है, नेहा नीचे की तरफ देख रही है, इधर भाई साहब रोशनी आ रही है, जब इधर रोशनी आ रही है तो हथेली वाले भाग पर परछाई बनेगी, नेहा की परछाई उसके क्या है, दाएं हैं, नेहा की परछाई उसके दाएं हैं। अगर ये नेहा तो ये कौन, ये टोनी, और टोनी किधर देख रहा है, टोनी का चेहरा किस दिशा में, ये अगर टोनी है तो टोनी उत्तर की तरफ देख रहा है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब बहुत एक्सप्लेन करके बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, लीजिए बनाइए पूरा का पूरा प्रश्न, पूरा का पूरा प्रश्न एंगल से रिलेटेड दे रखा है, पूरा का पूरा प्रश्न दोस्तों आपको एंगल कोण से संबंधित दे रखा है, ध्यान से देखो आप, पूरा का पूरा प्रश्न आपका कोण से संबंधित आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा प्रश्न कोण से संबंधित दे रखा है, बनाओ।
चलो बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। बनाओ बेटा बनाओ, हाँ पीठ पूछी है उसने ना। अब देखिए इधर, अपने घर से चलने के बाद अमित कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। ये उसका घर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं उसका घर, ये होम है। अपने घर से चलने के बाद वह कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व की ओर सीधा सा मतलब है ईस्ट की ओर, कुछ दूरी पर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। वहां से वह दाई ओर मुड़ता है और कुछ मीटर चलता है। वहां से वह दाई ओर मुड़ गया और कुछ मीटर चलता है, मान लो यहां पहुंच गए। अब यहां पर आपको दे रखा है कि वह पुनः 270 डिग्री लेफ्ट मतलब वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब है माइनस, और अगर बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि हम लोग लेंगे प्लस, जिसको हम बोलेंगे राइट, और जिसको हम बोलेंगे दक्षिणावर्त। दोस्तों जल्दी से बता दो फटाफट से, सही है, आप चीजों को समझ रहे हैं बढ़िया से। पहले गया था वो पूर्व की ओर कुछ मीटर, फिर मुड़ गया दक्षिण की ओर, सपोज करो दक्षिण की ओर मुंह है उसका, फिर बोला कि पुनः 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, माइनस 270 डिग्री हो गया ये वामावर्त। फिर कुछ मीटर चलता है, फिर वहां से 315 डिग्री वामावर्त फिर मुड़ता है, 315 डिग्री वामावर्त फिर मुड़ गया भाई साहब, ठीक है। फिर कुछ मीटर चलता है, तो अब उसकी पीठ किस दिशा में है? अगर ओवरऑल डिफरेंस देखा जाए भाई साहब, ओवरऑल डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया आपके पास में, देखिएगा इधर ये 5, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 585 माइनस का 585 हो रहा है। माइनस के 585 में से 360 हटा दो, माइनस के 585 में से 360 अगर आप हटा दें तो 185 और 40 दोस्तों आपके पास में हो जाएगा 225। माइनस के 225 ही एक्स्ट्रा है भाई, 360 यानी पूरा चक्कर हो गया ना, उसको तो हटा ही दो आप भाई। माइनस का 360 हटा दिया मैंने, माइनस का 360 इसलिए हटाया क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है एक पूरा सर्किल हो जाता है 360 में, तो 585 में से 360 मैंने हटा दिया दोस्तों। अब ये कितना बचेगा आपके पास में? 185 और 40 हो गया 225। सही है या नहीं है जल्दी से बता दो तुरंत प्रभाव से कि हाँ ओवरऑल डिफरेंस माइनस 225 का है। अब ओवरऑल डिफरेंस माइनस 225 का है भाई साहब, अब आप देखिएगा यहाँ से कि ओवरऑल माइनस 225 का डिफरेंस ले लूँ तो देखिए, अगर मुड़ना नहीं होता तो भाई साहब सीधा जाना होता, लेकिन माइनस 225 का मतलब हो गया कि ये तो हो गया 180, 180 में ये आपने जोड़ दिया 45, 180 में 45 जोड़ दिया, ये हो गया माइनस 225 डिग्री, यानी ओवरऑल डिफरेंस देखें तो ये हो गया माइनस 225, ये वाली दिशा है। तो अगर मुंह अगर इस दिशा में है तो पीठ किस दिशा में होगी? अगर मुंह भाई साहब इस दिशा में है तो पीठ किस दिशा में होगी? इस दिशा में। और ये कौन सी दिशा है जल्दी बता दो तुरंत प्रभाव से, ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा होती है भैया? ये वाली कौन सी दिशा होती है? ये होता है, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा। P
पीठ कौन सी दिशा में हो गई उसकी, दक्षिण पूर्व दिशा में हो गई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो गई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ये प्रश्न अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, मतलब वो आनंद आएगा जीवन के, वो क्वेश्चन के आनंद ही है कि मतलब इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है। चाहे वो कितना भी हार्ड बना ले एग्जामिनर क्वेश्चन, कितना भी अपना दिमाग लगा ले वो, लेकिन इन क्वेश्चन से बाहर और इन क्वेश्चन से बेहतर क्वेश्चन वो नहीं बना पाएगा। सर क्लास कब से चालू है? बेटा क्लास तो 10 बजे से ही चालू हो जाती है ना। आज अपनी भुवनेश्वर की क्लास नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा लंबा ले लेता हूँ यार, क्लास क्या दिक्कत आ रही है, चीज़ें सीख ही रहे हैं, है कि नहीं, क्लियर है? संडे है ना बेटा आज, जो तो मतलब यार ठीक है एक दिन तो मिलता ही है, मैं चलो ठीक है फ्री था, मेरे सारे काम हो गए थे, तो मैंने कहा यार चलो यार आप लोगों के लिए क्लास ले लेते हैं आज, बढ़िया रहेगा। रात को भी क्लास है ना, रात को भी 10 बजे क्लास है, मॉक टेस्ट लगाएंगे मस्त शानदार, उसको छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, मॉक टेस्ट अपन डेली लगाते हैं, आपको पता है रात को 10 बजे वाली क्लास के अंदर, है ना। चलो बनाओ बेटा बनाओ। देखो यार एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, आप समझने की कोशिश करें, है ना। शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी टाइम वेस्ट करने में, बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा हो, लेकिन वो शायद उस लेवल को नहीं सोच पा रहे कि यार जिस दिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उनके पास क्या काम है यार। खूब बातें करो, हाँ खूब एक दूसरे की खिंचाई करो, खूब दोस्तों के साथ मिलो, मिठाइयाँ खाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, कौन रोकने वाला है एक बार सिलेक्शन के बाद। अरे घर वाले खुद कहेंगे घर पे मत रहे, जा ऐश कर बाहर जा। तो अभी पढ़ लो यार, उस समय को अगर बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो अभी अभी जो है ना, ये जो स्ट्रगल लग रहा है तुम्हें, जो कष्ट हो रहा है ना, उसको सह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे दिन भी आएंगे, मज़ा भी आएगा, सही है कि नहीं है। सभी बच्चे थम्स अप कर दें तुरंत। करवा दिया है मीना जी, है ना। उस टाइप के क्वेश्चंस अभी करवा दिए हैं पहले स्टार्टिंग में। देखिएगा जी, अरुण की स्कूल बस उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अरुण की बस के लिए क्या बोला है, देखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है। अरुण की बस उत्तर पूर्व, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, तो अरुण की बस उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है जब वह स्कूल पहुंचती है, सही है। अब भाई साहब ये तो तब है जब वो स्कूल, मान लो स्कूल पहुंचे हैं ना, तो वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, तो ये अपना प्रश्न की स्टार्टिंग नहीं है, ये अपने प्रश्न की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये तो पहुंची है, वो डाटा दे रखा है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ लेना, बहुत प्यारा प्रश्न है। अरुण की बस उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है जब वह स्कूल पहुंचती है। क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट है, उसके घर से चलने के बाद, अब घर से किधर चलें भाई साहब, घर से किधर चलें हम, ये तो बता दो हमें। घर से चलने के बाद बस एक बार बाईं ओर मुड़िए। अरे घर से इधर चलें, इधर चलें, इधर चलें, या इधर चलें, किधर चलें, यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की, कि उसके घर से चलने के बाद, सपोज करो हम मान लेते हैं कि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उसके घर से चलने के बाद, उसके घर से चलने के बाद बस एक बार बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर अपने स्कूल पहुंचने के लिए पुनः बाएं ओर मुड़ती है, तब अरुण के घर को छोड़। देखिएगा इधर, घर से चलने के बाद, घर से चल गई भाई साहब, घर से चलने के बाद बस एक बार बाएं मुड़ती है, मान लो मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाता, लेकिन बोला गया है कि बस एक बार बाएं मुड़ती है, फिर स्कूल पहुंचने के लिए पुनः दाएं मुड़ती है, अच्छा पुनः बाएं ओर मुड़ती है। अच्छा भाई साहब देखो क्या बोल रहा है, घर से चलने के बाद बस एक बार बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई,
फिर अपने स्कूल पहुंचने के लिए पुनः एक बार बाएं मुड़ती है, पुनः एक बार बाएं मुड़ती है। जब यह अरुण के घर को छोड़ती है तो बस किस दिशा की ओर उन्मुखती। अब एक बात बताओ, सुनना इधर भाई साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। घर से चलने के बाद बस एक बार बाएं मुड़ती है, एक बार बाएं मुड़ती है, ये घर से चले, ये बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ती है, फिर जो है दाएं मुड़ गई, मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाते, ये दाएं मुड़ गई, और फिर स्कूल पहुंचने के लिए बाएं मुड़ती है। तो देखना इधर, यहां पर बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये घर से चले, हम घर से निकले, एक बार मुड़े बाएं, फिर मुड़े दाएं, फिर मुड़े बाएं, यानी कि हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो अगर हम उत्तर की ओर गए थे, अगर हम उत्तर में गए थे तो भाई साहब उसका स्कूल आ रहा है वेस्ट में। अगर उत्तर की ओर गए थे तो स्कूल आ रहा है वेस्ट में। अगर हम उत्तर की ओर गए थे घर से तो स्कूल आया वेस्ट में। लेकिन भाई साहब उसने क्या कहा है आपको, उसने कहा क्या है आपको, ये बताओ आप। आपके पास दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, ये होती है साउथ ईस्ट, और ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। ध्यान से देख लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, सही है। लेकिन उसने क्या कहा है कि जब स्कूल की बस उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि हमारा आंसर तो वेस्ट आ रहा है, हमारा आंसर तो वेस्ट आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है भैया, जल्दी से आंखें खोल के बताओ, तुरंत प्रभाव से बताओ भाई साहब। उसने वेस्ट को बोला है, वेस्ट को बोला है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट को बोला है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ होता है, इसने बोला है वेस्ट को बोला है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोल दिया भाई साहब, नहीं वो तो नॉर्थ ईस्ट में था। तो जल्दी से बता दो मुझे, ये साउथ ईस्ट उठ के नॉर्थ की जगह आ जाएगा ना, जब नॉर्थ ईस्ट उठकर 135 डिग्री घूमकर वेस्ट आ गया तो ये साउथ ईस्ट उठकर नॉर्थ आ जाएगा। तो उसने ये बोला था कि नॉर्थ को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे नॉर्थ को, नॉर्थ को कहेंगे साउथ ईस्ट, नॉर्थ को क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे। जल्दी बता दो, समझ में आया कि नहीं आया, नॉर्थ को क्या करेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, दक्षिण जो है पूर्व कहेंगे। कैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर तो वेस्ट आ रहा है, पर वेस्ट नहीं बोल रहा उसको, उत्तर पूर्व बोल रहा है। उत्तर पूर्व को अगर यहाँ लेकर आना है, यानी 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, तो नॉर्थ की जगह कौन आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। साउथ ईस्ट को घुमा दोगे आप 135 डिग्री से, 135 डिग्री से साउथ को घुमाओगे तो वो नॉर्थ की जगह आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ गया, क्या सॉरी क्या आ गया, साउथ ईस्ट आ गया। क्या आंसर आ गया, साउथ ईस्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब इससे बढ़िया प्रश्न क्या ही देगा एग्जामिनर, है ये भी दे देना तो बहुत बड़ी बात है, इससे बढ़िया प्रश्न तो नहीं देगा वो, ये तो श्योर है 100%। चलो इसको करते हैं। राजू अपने उत्तर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखो आप इधर। राजू अपने उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, वहां से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अब भाई साहब अगर इस डायरेक्शन से 90 डिग्री मुड़ना होता उसको घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री कितना बनेगा, ये 45, ये इधर, तो ये बनेगा इस जगह, यहां से 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। और तो भाई साहब पहले तो क्या बोला, राजू उस नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, 2 किलोमीटर चलता है, वहां से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। अगर मुड़ना नहीं होता तो इसी दिशा में आगे जाता, लेकिन भाई साहब 90 डिग्री मुड़ गया, ये देखो ये 90 बन गया, 90 डिग्री मुड़ा और यहाँ आ गया, कितना जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, चल गया 2 किलोमीटर। फिर से आगे क्या बोल रहे हैं, तो देखना है, राजू उत्तर पूर्व की ओर गया था 2 किलोमीटर, वहां से 90 डिग्री मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर, फिर वहां से 90 डिग्री मुड़ा, 2 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा की ओर है, आरंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा की ओर है, जल्दी बता दो फटाफट से, ये कौन सी दिशा है, ये अपनी ईस्ट, ऊपर होती है नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में है अभी, वो कौन से रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है,
मजा आया कि नहीं आया? अगर चित्र बनाना आ गया ना आपको, डायग्राम बनाना आ गया सही से, तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकती, आप हमेशा सही ही करके आओ। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले तो ये बता दो, फटाफट से पहले तो ये बता दो कि हाँ सर मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया है, आनंद हमारा बिल्कुल आ गया है। ठीक है, आनंद आ रहा है तो फिर सब कुछ आ रहा है। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को आप लोग करिएगा। और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कल से ही बूस्टर बैच की क्लासेस चालू हो रही हैं। जो भी बच्चा अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहता है, जो भी बच्चा बेसिक से हर एक चीज़ को मतलब बारीकी से, चाहे वो मिसिंग नंबर हो, नंबर सीरीज़ हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, पज़ल हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं नॉन वर्बल रीजनिंग हो, कुछ भी पढ़ना चाहता है ना, तो कल से ही बूस्टर बैच की क्लासेस हो रही हैं चालू। ठीक है, क्लास 24 ऐप पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 999 रुपीज़ में आपको जो चीज़ें मिल रही हैं ना, वो आपको सलेक्शन दे जाएगी, बस मैं इतना जानता हूँ। अब कर लो तैयारी जीत की, इसका टाइटल ही ये दिया है, क्योंकि हम लोग जीत के लिए ही पढ़ रहे हैं भाई साहब। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो भाई साहब दोपहर 12 से 1 बजे होने वाली है। रीजनिंग की क्लास आपकी 1 बजे से 2 बजे के बीच होने वाली है। मैथ्स की क्लास 2 से 3.5 डेढ़ घंटे चलने वाली है, क्योंकि समय कम है। और जनरल साइंस की क्लास आपकी 6 से 7 बजे चलने वाली है। ये तो मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल है जो सोमवार से शनिवार चलेगा। अरे संडे को होगा असली दंगल, पढ़ाई के बाद जो आपके डाउट रह जाएं तो संडे को डिस्कस होंगे वो डाउट सेशंस, और वो भी किस समय, सुबह 7 से 8 स्टडी जीके और करंट अफेयर्स के डाउट डिस्कस करोगे, फिर 8 से 10 दो घंटे जो भी जीके जीएस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह जो भी डाउट है ना वो यहाँ पर डिस्कस कर लो। रीजनिंग से रिलेटेड डाउट 10 से 11 डिस्कस करोगे। मैथ्स से रिलेटेड डाउट जो है दोस्तों वो आप 11 से 1 बजे के बीच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको 115 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिलेगी, 25 से ज़्यादा घंटे के डाउट सेशंस मिलेंगे। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगी, यानी आप बाद में भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 महीना पढ़ाएंगे और कोर्स ख़त्म हो जाएगा, भाई साहब एग्ज़ाम तो 3 महीने चलेगा ना, फिर प्रैक्टिस चलती रहेगी धमाधम। जिसका एग्ज़ाम 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 1.5 महीने बाद होगा, तो भाई साहब उसके लिए भी चलती रहेगी चीज़ें। 100 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और वो भी उनके एग्जाम पैटर्न और उसके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। 100 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं, चैप्टर वाइज लगाने हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा 20 प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे, 2000 से ज़्यादा लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 लाइव टेस्ट मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया। अब टेस्ट के बेनिफिट देख लो, टेस्ट के क्या फीचर हैं। आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा भाई साहब, जो भी टेस्ट आप दोगे ना, आपने कितनी देर में क्वेश्चन को अटेंड किया है, कितना समय लगा है, कौन से क्वेश्चन में आपने गलती की है, उस सब का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया रैंक मिलेगी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टेस्ट दिए हैं लोगों ने उसमें आपकी रैंक क्या है, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड ये सारी चीज़ें होंगी, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, यानी कि बायलिंगुअल होगा। भाई साहब ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं क्लास 24 ऐप पर। ऐप डाउनलोड करो, चैट बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, लॉगिन करके, लॉगिन करोगे सिंपल, लॉगिन करने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, रेलवे। रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप जाओगे सीधा, बीच में पॉइंट दिया होगा प्रिपरेशन, कि आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन पे क्लिक करते ही बूस्टर बैच दिख जाएगा। प्रिपरेशन पे क्लिक किया, बूस्टर बैच दिखा, सीधा एनरोल कर लिया, बाय कर लिया, खत्म। ठीक है सर, एमपी सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट सिलेबस भी हो जाएगा क्या? बेटा बिल्कुल हो जाएगा, जब सारे टॉपिक ही करा रहे हैं, है ना, मैथ रीजनिंग जीके जीएस के सारे टॉपिक करा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रुप डी वालों के अलावा बाकी लोगों के टॉपिक कवर नहीं होंगे। अगर आप एसएससी की, एमपी पुलिस की, पटवारी की, इनकी भी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जो अपकमिंग आने वाले एएलपी और आरपीएफ के लिए पढ़ रहा है तो उस पे, उसके लिए तो सोने पे सुहागा है कि भाई साहब जबरदस्त तरीके से आप लोगों के पास में मौका है, कंप्लीट जो है थ्योरी कंप्लीट प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चलेगी, कुछ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो YouTube पर तो धमाकेदार चीज़ें चली रही हैं, आप लोग देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो YouTube पर तो, लेकिन भाई साहब दोनों चीज़ें जरूरी है, YouTube भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, सिलेक्शन ओवरऑल होगा। अपने डाउट डिस्कस करने का इससे बढ़िया और आसान मौका नहीं हो सकता।
ठीक है। और मैं जानता हूं यार कि जो भी चीजें मार्केट में चल रही हैं उनमें सबसे बेस्ट चाहे वो कंटेंट हो, इतने सालों से रेलवे को पढ़ा रहे हैं यार आप लोग, देख लो 2018 से, तो आज ये तो पता ही है कि यार क्वेश्चन का पैटर्न और सिनेरियो क्या रहने वाला है। तभी तो बच्चा डंके की चोट पर बोलता है ना कि सर पूरे में से पूरे करके आए, सर एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चों से, 1 वाले बच्चों से पूछो सर 35 में से 35 करके आए। आप भी जिस दिन निकलोगे ना एग्जाम देकर ये कहोगे कि सर रीजनिंग में 30 में से 30 लेके आया हूँ और बाकी सब्जेक्ट में भी जो टीचर मेहनत करेंगे वो फिर उनका रिजल्ट बता ही देगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और जो है थैंक यू सो मच, लाइक दी सेशन, सब्सक्राइब दी चैनल, ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं किए ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर ले। क्विजेज वगैरह तो फ्री में ही अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज आपके पास अलग से भी अवेलेबल है। बूस्टर कोर्स कोई नहीं लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज ले सकता है, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो बूस्टर कोर्स लेना चाहता है तो उसको डिस्काउंट करके चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मस्त रहो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। टेलीकॉलिंग नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, ईमेल आईडी आपको दे रखा है, टेलीकॉलिंग नंबर आपको दे रखा है, संपर्क करो और आराम से एनरोल कर लो। ये रहा 7849841445, ठीक है, info.class24@gmail.com ये है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, रीजनिंग बाय दीपक सर जो अपना है, रीजनिंग बाय दीपक सर के नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ पे भी मिल जाएगी, और क्लास 24 ऐप में आप जाके भी वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।